नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। गलवान घाटी में भारतीय जवानों के साथ हुई हिंसक झड़प को लेकर एक बार फिर चीन बेनकाब हुआ है। एक शीर्ष अमेरिकी कांग्रेस पैनल ने कहा है कि चीनी सरकार ने जून में गलवान घटना की योजना बनाई थी, क्योंकि बीजिंग ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ जबरदस्ती अभियान चलाया था। गलवान की घटना ने पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों द्वारा आक्रामक कार्रवाई देखी, जिसके परिणाम स्वरूप 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। संयुक्त राज्य और चीन की आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग की तरफ से जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ सबूतों से पता चलता है कि चीनी सरकार ने घटना की योजना बनाई थी, शायद घातक घटनाओं की संभावना भी शामिल थी। हालांकि रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं है कि चीन किस वजह से भारत के खिलाफ आक्रामक हुआ, लेकिन इसमें कहा गया है कि टकराव का सबसे बड़ा कारण भारत द्वारा बॉर्डर एरिया में बनाई जा रही सड़क है, जिससे उसे रणनीतिक बढ़त हासिल होती है। इसने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि चीनी रक्षा मंत्री वेई ने लड़ने के लिए बीजिंग को प्रोत्साहित करते हुए बयान दिया था, जिसको चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए एक संपादकीय में कहा गया था कि अगर भारत चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध में आता है तो वो एक विनाशकारी झटका झेलेगा। बीजिंग खुद वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ व्यापक बुनियादी ढांचे के निर्माण में लगा हुआ है, और इस झड़पों के बाद संपूर्ण गलवान घाटी पर संप्रभुता का दावा किया गया, जो एक नया दावा था। अमेरिकी रिपोर्ट ने संघर्ष वाली जगह की झड़प से पहले ली गई तस्वीरों के आधार पर यह विश्लेषण भी किया है कि 15 जून से पहले चीन ने वहां भारी तादाद में पीएलए के जवानों का जमावड़ा किया था, और अमेरिकी पैनल के मुताबिक उस वक्त घटनास्थल पर करीब 1000 पीएलए के जवान मौजूद थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजिंग ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ बहुराष्ट्रीय जबरदस्ती अभियान चलाया, जिसमें जापान से लेकर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ सैन्य या अर्ध सैनिक बल के जवानों को उकसाया गया। रिपोर्ट में पाकिस्तान के बारे में भी कहा गया है। चीनी सेनाओं ने पाकिस्तान में सुरक्षित और संभावित नौसैनिक आधार सुविधा हासिल की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।